ये सभी लोग होमवर्क नोट करिए। ये पहला तो है कि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एक क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूँ कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो प्रूव करना है कि वो डेसिमल में कन्वर्ट करने पर रिकरिंग बनेगा या अगर टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिकरिंग, ये कन्फर्म होगा ही होगा, ये प्रूफ करना है। फिर ये रूट टू, वन प्लस रूट टू, रूट टू प्लस रूट थ्री, ये इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। ये सब हम लोगों ने 9th-10th में कर रखा है। 1.1 और 1.2 के बीच में 5 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, 0.9 बार और 1, इन दोनों में कौन बड़ा है ये जरा चेक करना है। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देखिए कुछ स्पेशल चीज़ दिखाई देगी। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर एक और चीज़ है जो देखने में लग रहा है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, एलसीएम। तो एलसीएम इजी तो है, ये नेचुरल नंबर्स का एलसीएम जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि जानते होंगे। लेकिन ये रैशनल नंबर 2/3, 7/9, इनका रैशनल नंबर्स का एलसीएम कैसे लिया जाता है और इरेशनल का कैसे लिया जाता है, या कुछ रैशनल हो और कुछ इरेशनल हो, तो ये भी हम लोग को पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और फिर रियल नंबर्स के बारे में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे कि रियल नंबर के सेट में क्या विशेष बातें होती हैं और रियल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करते हैं, उसके सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं। चलिए, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे। एक स्पेशल टॉपिक होता है इंटरवल्स, वो, और ये होमवर्क करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए।